आप यात्रा को रिसीव करने आए हैं या सी ऑफ करने आए हैं हुद माता यात्रा को, क्या बताएंगे इसको लेकर और किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम है, क्योंकि ये यात्रा अगले हफ्ते एक तक चलनी है। ये यात्रा सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो रिलीजियस इवेंट है इसको मानते करते हैं, और ये कठुआ नगरी से चलती है, तो हमारे जो इंतजाम हैं वहाँ से टाई अप करके कल यहाँ छड़ी मुबारक सरकूट टेम्पल में आई, और आज यहाँ से सौंदर के लिए निकलेगी दक्षिण में, नेक्स्ट डे आगे इनका प्रोग्राम है। तो इसका रूट डिप्लॉयमेंट, एरिया सैनिटाइजेशन और सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म जो है, क्योंकि आगे बड़ी टफ टेरेन है, उसके चलते कोई घटनाएं ना हो तो SDRF टीम्स, हमारे रेस्क्यू टीम्स, बीसाइड्स पुलिस ऑन रूट डिप्लॉयमेंट और आर्मी पेरिफेरी में लगवा के इंश्योर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी और सेफ इन्वायरमेंट में यात्रा हो जाए, और साथ में जो प्रोटेक्शन टीम्स हैं फ्रंट बैक राइट लेफ्ट हमने सारी साथ में लगाई हैं, और मुझे यकीन है कि ये यात्रा बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट होने के बाद 27 तारीख को वापस ये लोग आएंगे। हम इंश्योर करें कि वापस अपने स्थान पर जितने यात्रु आए सभी अपने लोकेशन पर सेफली पहुंच जाएं। सर कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एरिया में, उसके लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? इसके लिए हमने ऐसा किया है कि वायरलेस कम्युनिकेशन हाई फ्रिक्वेंसी सेट वहाँ रास्ते में सारे लगाए हैं, साथ में सैटेलाइट फोन्स भी दिए हैं हमारी टीम्स को, तो इन द इवेंट अगर किसी को कोई दिक्कत आई वो सैटेलाइट फोन से हमें कम्युनिकेट करेंगे, नियरेस्ट पार्टी जो उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँचेगी, और हमें एज ऑन डेट कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। सर जो पिलग्रम्स आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जो अंधेरा है आफ्टर सनसेट उस इलाके में अकेले मत घूमें, गिरने के चांसेस हैं, दरिया नज़दीक है, टफ टेरेन है जो कि बाकी जगहों की तरह नहीं है, तो इसके चलते प्लीज़ इंश्योर कि आप दिन होते हुए सूरज होते हुए आपने किसी भी नियरेस्ट कैंप में रुकें और नेक्स्ट डे सेफली अपना जर्नी करें, और एक टेरेन भी टफ है और डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हैं, और पानी का अच्छा इस्तेमाल करें। थैंक यू।